जनता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनभद्र की। सोनभद्र में जिस तरह से अवैध खनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, उस तरह से वहां पे अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वहां से श्याम मिश्रा जी, जो कि एक संस्था भी चलाते हैं और खनन पर विशेष कार्य भी कर रहे हैं, वो आए हुए हैं अपनी समस्या लेकर के। आइए बात करेंगे क्या है इनकी समस्या और अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। जी आज हम लोग आए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम श्याम जी मिश्रा नाम है। हम आए हैं आज खनन निदेशक रोशन जकब जी से मिलने के लिए आए हैं और ये बता रहे हैं रात भर 24 घंटा बालू का अवैध खनन था, जो कि रात में खनन का नियम ही नहीं है और जहां लीजिए वहां नहीं हो रहा, उसके कहीं और हो रहा है और उसमें खनन अधिकारी पूरा लिप्त हैं। और एक माफिया है मल्होत्रा, वो भी अवैध खनन खूब करवा रहा है गुंडों के बल पे। हम यही चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, वहाँ पे अवैध खनन बंद हो और खनन अधिकारी और मल्होत्रा जी पे बुलडोज़र चले, हमारी यही मांग है। इसीलिए मैं सोनभद्र से आया हूँ लखनऊ में। क्या वजह है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें प्रशासन की पूरी मिली भगत है। मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ खनन अधिकारी पे, ये पैसा ले के अवैध खनन करवा रहा है बालू का। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुरंत जांच हो और जो रात भर जो खनन हो रहा है तो तुरंत बंद हो और दोषियों पे मुकदमा हो। आपने मुख्यालय में एक पत्र भी दिया हुआ है, क्या कहना है जी? हाँ, माननीय वो खनन निदेशक रोशन जैकब जी को एक मैंने पत्र भी लिखा हुआ है कि 24 घंटा खनन हो रहा है, जो कि रात में खनन हो नहीं सकता, ये आदेश है, लेकिन उसके बाद भी वो हो रहा है खनन। तो देखा आपने किस तरह से सोनभद्र से चल करके यहाँ पे आए हुए हैं अपनी बात को रखने, और यहाँ पे मुख्यालय में इन्होंने एप्लीकेशन भी दी हुई है और देखना ये है कि आगे किस तरह से अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लखनऊ से राहुल, जनतंत्र न्यूज़।